आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 29 मई 2024 की नई अपडेट के बारे में। तो आप इस वीडियो को इसलिए पूरा जरूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले और पहली बड़ी अपडेट के बारे में बात करते हैं और जोधपुर रीजनल सेंटर की तरफ से एक आपके लिए जानकारी दी गई है। उनकी तरफ से स्टडी मटेरियल की लिस्ट जनवरी 2024 के स्टूडेंट्स के लिए जारी कर दी गई है। इसका मतलब ये है कि ये जितने भी स्टूडेंट है ये जोधपुर रीजनल सेंटर में जाकर अपना जो स्टडी मटेरियल है उसको कलेक्ट कर सकते हैं और बाकी रीजनल सेंटर के जो स्टूडेंट है उनका भी अब जो स्टडी मटेरियल है वो आना शुरू हो चुका है। वो अपना स्टडी मटेरियल का स्टेटस जरूर चेक करें। उसमें अगर ऐसा आ जाता है कि आपका स्टडी मटेरियल आने वाला है, ये आ चुका है लेकिन आपके पास नहीं पहुंचा है, तो आप एक बार रीजनल सेंटर जाकर पता कर सकते हैं। वरना तब तक आप अपने जो ऑनलाइन माध्यम है उनसे इग्नू की जो बुक्स है उनको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उनके ऊपर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस पहले भी बनाई हुई है किस तरीके से आप इग्नू के ई कंटेंट ऐप के माध्यम से अपनी जो बुक्स है उनको ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। अभी जोधपुर रीजनल सेंटर की तरफ से लिस्ट जारी की गई है जिसमें जानकारी दी गई है कि जितने भी स्टूडेंट्स का नाम है उन सभी के जो स्टडी मटेरियल है वो रीजनल सेंटर में आ चुका है, वो आकर इसको कलेक्ट कर लें। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं और मैंने इससे पहले कुछ दिनों पहले आपको जानकारी दी थी कि आपका एक या दो सब्जेक्ट ऐसे जिनके जो डेट शीट है उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है, यानी कि उनके डेट्स को आगे पीछे किया गया है, तो उनको अब हॉल टिकट में भी चेंज कर दिया गया। आप एक बार अपना हॉल टिकट जो है वो ज़रूर एक बार फिर से चेक कर लें, डाउनलोड कर लें। आप हर वीक या हर 2 से 3 दिन के अंदर अपना हॉल टिकट एक बार ज़रूर चेक करें, देखें कि उसमें कहीं कोई बदलाव तो किया गया है या फिर नहीं। साथ ही मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि आप अपनी रीजनल सेंटर की वेबसाइट को और अपने हॉल टिकट को हर 2 दिन या 3 दिन में चेक करते रहेंगे तो आपको जो भी लेटेस्ट जानकारी है वो आपके पास रहेगी। और अगर ऐसा कुछ होता है, वैसे तो बहुत कम इस तरीके से होता है कि किसी सब्जेक्ट का जो डेट है जो कि पहले से थी उसको चेंज कर दिया जाए, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उसकी जानकारी आपको आपके रीजनल सेंटर की वेबसाइट से मिल जाती है या फिर आपके हॉल टिकट में वो अपडेट कर दिया जाता है। तो ये जो जानकारी है वो आपके पास होनी चाहिए, इसलिए हर 2 दिन बाद हर 3 दिन बाद आप एक बार ऑनलाइन जाकर अपना हॉल टिकट को चेक कर सकते हैं कि हॉल टिकट में कहीं कोई बदलाव किसी डेट में तो नहीं किया गया, उसके बारे में आपको जानकारी यहाँ पर से मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स का जो जनवरी 2024 का काउंसलिंग का ऑनलाइन शेड्यूल है उसको जारी कर दिया गया है, जो कि आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि 15 जुलाई से लेकर आपका जो शेड्यूल है वो 18 अगस्त 2024 तक चलने वाला है। 15 जुलाई से लेकर 18 अगस्त 2024 तक ये पूरा शेड्यूल है जहाँ पर आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट करवाया जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन जियो इन्फॉर्मेटिक्स का। इसका गूगल मीट का लिंक भी अगर आप देखें तो सबसे नीचे रेड में दिया गया है। इसके जरिए आप ऑनलाइन इससे जुड़ सकते हैं और अपना जो कोर्स है उसको ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हैं। नॉर्मली सर्टिफिकेट कोर्सेज जो होते हैं उनका जो कोर्स होता है वो ऑनलाइन ही कंप्लीट किया जाता है। साथ में इग्नू की तरफ से एक अपडेट और आई थी कुछ महीने पहले जिसमें जानकारी दी थी कि अब इस तरीके से हो गया है कि कोई भी सर्टिफिकेट कोर्स है तो उसका एक नोडल रीजनल सेंटर बनाया गया है, यानी कि वो सर्टिफिकेट कोर्स जो है उसके लिए एक नोडल रीजनल सेंटर ऐसा दिया गया है कि पूरे देश भर के जितने भी उस सर्टिफिकेट कोर्स के स्टूडेंट हैं उनको उनकी पढ़ाई करवाना, उनके लिए ऑनलाइन काउंसलिंग जारी करना या फिर उनके लिए कोई भी नई अपडेट जारी करना वो उस रीजनल सेंटर का काम रहेगा। तो इस तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं सर्टिफिकेट कोर्सेज इस तरीके के होते हैं कि उनमें जो स्टूडेंट होते हैं वो कम होते हैं, हो सकता है एक रीजनल सेंटर में सिर्फ 2 स्टूडेंट ने उस सर्टिफिकेट कोर्स को लिया हो, एक और दूसरे ऐसा रीजनल सेंटर हो सकता है जहाँ पर 20 स्टूडेंट हो, तो पूरे देश भर के टोटल मिलाकर 100-150 बच्चे अगर हो जाते हैं तो एक नोडल रीजनल सेंटर को ये काम दे दिया जाता है कि वो उनको उनका ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल पूरा करवाए और उसके अलावा जो भी उनको इम्पॉर्टेंट जानकारी चाहिए वो सारी की सारी उनको उपलब्ध करवाए। तो अपना अगर आपका भी कोई सर्टिफिकेट कोर्स है तो अपना नोडल रीजनल सेंटर आप जरूर चेक कर लें और उसके आधार पर आपको काफ़ी आसानी होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिए।